हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ गणित के सभी सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आयत लेस्ट एंगल है, आयत तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयत किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो के साथ विकर्ण भी समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हैं कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, पहला है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, तो लंबाई गुना में चौड़ाई। दूसरा है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई × ऊंचाई होता है, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कह रहा है वर्ग यानी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर इसको कह सकते हैं। तो इसका है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर का यानी विकर्ण बराबर भुजा होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, ठीक है, यानी 2 भुजा और यानी कि इसका 2 विकर्ण, ठीक है। इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग परिमाप से 12 होता है, ठीक है, यानी कि 12 होता है। आगे हैं समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर वह समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका सिंपल है आधार गुने ऊंचाई होता है। पूछेगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो 2 × आसन भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है आपका फॉर्मूला है। अब है सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज को समान चतुर्भुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं पर कोई समकोण न हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद।